हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सनाज रसोई। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ढाबा स्टाइल दाल पालक की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत आसान है। घर पे बहुत ही आसानी से आप इसे बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनता है और साथ में ही बहुत ही हेल्दी होता है। पालक के फ़ायदे तो हर कोई जानता है और इसे मैं मूँग दाल के साथ बना रही हूँ तो ये और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाता है। ढाबा स्टाइल दाल पालक बनाने के लिए मैंने एक बड़ा चम्मच ऑयल गरम किया है प्रेशर कुकर के अंदर। इसमें आधा छोटी चम्मच जीरा ऐड करेंगे और एक चुटकी हींग ऐड करेंगे इसके अंदर। हींग का बहुत अच्छा फ्लेवर इसके अंदर आता है, तो अभी एक चुटकी हींग मैंने यहाँ पे ऐड करी है। एक चुटकी हम तड़के में ऐड करेंगे और एक छोटी चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छे से भून लेंगे। एक बार इसे चला के अच्छे से भून लेते हैं। आप चाहें तो लहसुन अदरक को क्रश करके या काट के भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अदरक लहसुन जैसे ही अच्छे से भून जाएगा, पक जाएगा अच्छे से, तो हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई पालक। पालक को आप काटने से पहले अच्छे से दो तीन बार वॉश कर लें, क्योंकि पालक के अंदर काफ़ी मिट्टी होती है, तो उसको आप दो से तीन बार वॉश करें और उसके बाद आप उसे बारीक काट लें। तो यहाँ पर हम पालक ऐड कर लेंगे जैसे ही अदरक लहसुन का पेस्ट भून जाएगा। आप चाहें तो इसमें टमाटर भी ऐड कर सकते हैं। दो टमाटर की प्योरी भी आप इसमें साथ में ऐड करके अदरक लहसुन के पेस्ट के बाद भून सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। लेकिन मैं इसको बिना टमाटर की प्योरी के बनाना पसंद करती हूँ। यहाँ पे मैंने आधा कप ली थी मूंग की दाल धुली हुई, इसको मैंने अच्छे से वॉश करके और इसको थोड़े से पानी में सोक करने रख दिया था। इसको मैंने तकरीबन 5-10 मिनट सोक किया होगा जब मैंने ये पालक काटना शुरू किया था, उस टाइम पे मैंने इसको सोक करने रखा था। आप इसे डायरेक्ट वॉश करके भी ऐड कर सकते हैं, बहुत जल्दी बन जाती है दाल, इसको आपको सोक करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। जिस कटोरी से मैंने आधा कप दाल ली थी, उसी कटोरी से मैं डेढ़ कटोरी पानी ऐड कर रही हूँ। 1.5 कप आप पानी ऐड कर सकते हैं, मतलब डेढ़ गुना इसका पानी ऐड कर रही हूँ मैं। और 2 हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। थोड़े से मसाले जाएंगे इसके अंदर, तो मसालों में बहुत कम का मसाले ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 छोटी चम्मच आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर लें। मैं यहाँ पे 1.5 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से और अब इसका प्रेशर कुकर का लिड बंद करके हम इसमें 2 विसल आने देंगे। ये बहुत जल्दी पक जाती है दाल और पालक भी बहुत जल्दी गल जाता है, तो बस इसमें हम 2 विसल लगाएंगे और प्रेशर कुकर को खुद से ठंडा होने देंगे। 2 विसल आने के बाद मैंने प्रेशर कुकर को ठंडा किया और उसके बाद इसको ओपन कर लिया है। और ये देखिए, हमारी दाल जो है अच्छे से गल चुकी है, पालक पक चुका है। इसको अच्छी तरह से मैश कर लेंगे, जिससे दाल और पालक एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो जाएँ, मैश हो जाएँ। तो इसको अच्छे से हम स्पैटुला की हेल्प से अच्छे से मिक्स करेंगे। और आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी डालें, गर्म पानी, और इसको थोड़ा सा पतला कर लें। मैं इसको ज़्यादा पतला नहीं कर रही हूँ, तो मैं इसको अच्छे से मैश कर लेती हूँ एक बार। और आप चाहें तो इसे 1-2 मिनट के लिए बॉईल और कर लें, जिससे ये अच्छे से मिक्स हो जाएगी। दाल पालक रेडी है। अब इसके लिए एक तड़का तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ 2 छोटे चम्मच ऑयल और इसको अच्छे से गर्म करेंगे। मैं ये मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ, सरसों का ऑयल है। आप चाहें तो कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सरसों के ऑयल में इसका अच्छा टेस्ट आता है। सरसों का ऑयल है तो इसे अच्छे से गर्म करेंगे। ये देखिए, धुआं उठने लगा है। अब मैं फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ, बहुत ज़्यादा गर्म हो गया ये। और उसके बाद हम डालते हैं इसमें आधा छोटी चम्मच जीरा और 1 चुटकी हींग और ऐड कर लेंगे इसमें हम। 1 चुटकी हमने पहले ऐड करी थी, तो 2 चुटकी हींग यहाँ पर हो गई है। हींग का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसके अंदर। 4 लहसुन की कलियों को बारीक चॉप कर लिया है और वो यहाँ पर ऐड कर ली हैं। लहसुन के तड़के का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, तो आप इसका तड़का लहसुन में ही लगाएं। और इसके बाद 2 सूखी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे और अब इनको हम थोड़ा सा ब्राउन होने देंगे, तो इसको चलाएंगे एक बार। तो बस आप इसे चलाते हुए थोड़ी देर के लिए पका लें। लहसुन जैसे ही ब्राउन होता है, हमारा तड़का रेडी हो जाएगा। तो बस ये देखिए, हमारा तड़का रेडी हो गया है। जो हमने मिर्ची ऐड करी थी, उसके ऊपर भी अच्छा सा कलर आ गया है, लहसुन भी ब्राउन हो गया है। अब हम इसे डाल देते हैं दाल पालक के अंदर। और मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ इसमें आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड करें, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इससे लाल मिर्च के पाउडर से जो है इसका फ्लेवर भी बढ़ जाता है और इसका कलर भी अच्छा हो जाता है।
तो अब इसको ढक के हम रख देते हैं इसी तरह से 4-5 मिनट के लिए, और उसके बाद आप इसे डिश आउट कर सकते हैं। तो बस अब इस तड़के को मिक्स कर लेते हैं। 4 मिनट के बाद आप इस तड़के को अच्छे से मिक्स कर लें और उसके बाद आप इसे डिश आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा बहुत ही अच्छा ढाबा स्टाइल दाल पालक बनके रेडी हो गया है। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आएँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये देखिए हमारा ढाबा स्टाइल दाल पालक बनके रेडी हो गया है। ये बहुत ईजी रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।